दोस्तों अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि अदालत में जब लोग बात करने लगते हैं तो जज एक लकड़ी के हथौड़े को ठोकता है और ऑर्डर ऑर्डर कहता है। इसके बाद अदालत में बैठे लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की अदालत में इस हथौड़े का इस्तेमाल क्यों होता है और इस हथौड़े को क्या कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता दें कि इस हथौड़े को गेवल कहा जाता है और भारत में गेवल का इस्तेमाल अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ था और तभी से इस गेवल का इस्तेमाल भारत की अदालत में उपयोग होना शुरू हो गया। लेकिन आज के समय इस गेवल का इस्तेमाल लगभग नए के बराबर होता है। दोस्तों हथौड़ी की उत्पत्ति कब हुई? दोस्तों आपको बता दें कि गेवल की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी क्योंकि वहाँ की अदालत में किराएदार और मकान मालिक के बीच झगड़ा होता ही रहता था और इस दौरान अदालत में काफी शोर शराबा होता था। अदालत को शांत कराने के लिए जज लकड़ी की टेबल पर हाथ से ठोकते थे, लेकिन बाद में इसकी जगह एक हथौड़े ने ले ली और वह गेवल से लकड़ी की टेबल पर ठोकने लगे। दोस्तों इस गेवल का इस्तेमाल आज भी विदेशों की अदालत में होता है, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है। दोस्तों आपको एक और चीज बता दे कि जो हथौड़ा या फिर जिसे गेवल कहा जाता है वह जज की शक्ति के बारे में भी बताता है। तो दोस्तों अब आपको यह समझ आ गया होगा कि अदालत में हथौड़े का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इस हथौड़े को क्या कहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।